जय हिंद सभी डिफेंस पेंशनर बंधु उम्मीद है आपका पेंशन दिसंबर महीने का भी स्पर्श से क्रेडिट हो गया होगा 29 दिसंबर को लगभग सभी पेंशनर के अकाउंट क्रेडिट हो चुके हैं उम्मीद है आपका भी क्रेडिट हो चुका होगा पर यह न समझें कि आपका सारा समस्या समाधान हो चुका इसलिए आ गया क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट का डेट बढ़ा दिया गया है जनवरी तक कर दिया गया है तो कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किए हों फिर भी आया हो तो आपको काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है और इसी उद्देश्य से मैंने इस स्पर्स पेंशन ट्रेनिंग का श्रृंखला शुरू किया है तो इस श्रृंखला में आज हम बहुत ही लघु वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूंगा और इसमें मैं फोकस्ड रहते हुए सिर्फ बताऊंगा कि अगर आपका माइग्रेट हो चुका प्रवासन हो चुका तो कौन कौन सी कार्रवाई आपको करना है जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि माइग्रेशन बिल्कुल असंभव ही है सबका हो चुका होगा 99% परसेंट कह लीजिए कि आपका माइग्रेशन हो चुका होगा क्योंकि लगभग थर्टी लाख से ज़्यादा डिफेंस पेंशनर का स्पोर्स में माइग्रेशन हो चुका तो हमारे अधिकतम दर्शक को उम्मीद यह किया जा सकता है कि अगर आप हमारे दर्शक हैं तो निश्चित ही है आपका भी माइग्रेट हो चुका होगा माइग्रेशन की प्रक्रिया किस तरह से प्रारंभ होती है क्या क्या सिंबल हैं सिम्टम्स हैं किस तरह से दिखते हैं कैसे पता चलता है ये सब मैंने विस्तार में आपको बता चुका हूँ आज मैं बताऊँगा कि अगर माइग्रेशन हो चुका कन्फर्म हो गया है यानी कि आपके मोबाइल में या ई में ऐसे आया है तो कौन कौन सी कार्रवाई करना है तो आपको सबसे पहले तो एसएमएस आ जाता है यही आपकी पहचान है प्रोवाइडेड बैंक में आपका मोबाइल रजिस्टर्ड रहा हो अकाउंट के साथ पेंशन अकाउंट के साथ तो आपको जो एसएमएस आते हैं उसमें यूजर नेम और पासवर्ड होते हैं निहित कई लोग फीचर फ़ोन यूज करते हैं इतने कस्टम नहीं है यूज टू नहीं है फ़ोन से तो उन्हें पता नहीं लग पाता है तो हम जवान बंधुओं का यह कर्तव्य होता है कि उन्हें दिखाएं समझाएं कई लोगों का हमने देखा कि उनके फ़ोन में छः महीना साल भर से आया हुआ लेकिन उन्होंने स्क्रॉल करके मैसेज को देखा नहीं या कई लोग डिलीट भी कर दिए तो आज मैं मुख्यतः यही बताऊंगा कि उस मैसेज में क्या क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है और उसके बाद क्या क्या कार्रवाई होती है तो सबसे पहले तो मैं उसके कंटेंट को ही बता दूं कि उस एस में या ई में आपके होते हैं डियर आपका जो रैंक है आपका अकाउंट हैज बिन क्रिएटेड योर पेंशन आई डी नंबर सो ट्वेल्व नंबर का होगा जो कि पीपीओ नंबर होता है इसके बाद मैसेज लिखा रहता है टू लॉग इन एंड अवेल द सर्विसेस प्रोवाइडेड बाई स्पर्स यूज आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अब इनका ये कहना होता है कि जो स्पर्स की सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं लाभान्वित हो करना होना चाहते हैं तो उसके लिए तीन प्रोसीजर ये दिए हुए रहते हैं तो सबसे पहला तो ये वेबसाइट का एड्रेस देते हैं जिसमें कि मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताते रहा हूँ आपको विजिट करना है इस्पर्स डॉट डिफेंस पर्सन डॉट गव इन को या तो फिर आप अगर नहीं विजिट कर पा रहे हैं तो आपके नियरेस्ट अगर इस्पोर्स सर्विस सेंटर है यानी कि किसी भी डिफेंस इंस्टॉलेशन के नज़दीक रह रहे हैं आर्मी एयरफोर्स ने भी कोई भी एयरफोर्स स्टेशन वहाँ भी इस्पर्स की डेडिकेटेड सर्विस सेंटर है तो वहाँ भी जा सकते हैं और वहाँ आपको क्या करना है ये स्पर्स की क्रीडेंशियल जो दिए हैं यानी कि आपके यूजर नेम दिए हैं जो पी, -पी नंबर है ट्वेल्व डिजिट उसी को जीरो वन से सफिक्स कर देना है अगर आप रेगुलर सर्विस पेंशनर हैं तो और अगर फैमिली पेंशनर है तो जीरो टू और पासवर्ड एक क्लटर्ड वैल्यू देते हैं फिर ये बताते हैं कि फोर असिस्टेंट किसी भी तरह की सहायता के लिए कंटैक्ट कीजिए रिकॉर्ड ऑफिस या अपने स्टेशन हेडक्वार्टर को या कॉल कीजिए पीसीडीए का टोल फ्री नंबर भी देते हैं जो कि वन एट डबल जीरो व वन एट जीरो फाइव थ्री टू फाइव होता है और इसका समय भी देते हैं पी सी डी इलाहाबाद का जो वर्किंग आवर है नाइन थर्टी सुबह से लेकर शाम के छः बजे तक होते हैं और सिर्फ पाँच दिन सप्ताह में काम करते हैं तो ये सब तो इनके टच पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके एसएमएस में आ गए होंगे इसका आपको इस्तेमाल करना है अब ये भी फिर से बताते हैं कि आप लॉग करें उसका फिर से विस्तार में पूरे उरल के साथ आपको एड्रेस देते हैं एच टी टी पी एस कॉलन डॉट डिफेंस पर्सन डॉट ये इनका वेबसाइट का उरल होते हैं और वहाँ आपको यूजर आईडी और पासवर्ड इस्तेमाल करना है जब आप इस वेबसाइट में जाएंगे तो राइट टॉप कॉर्नर में ब्लू एक बटन होता है लॉग इन वहाँ आपको क्लिक करना है और फिर ये स्टार्ट हो जाती है इसकी यात्रा अब मैं बताऊँगा जब आपको मैसेज आ गए जब क्रेडेंशियल आप डायरी में भी नोट कर लें क्योंकि यह यूजर आईडी जो है यूजर नेम है स्पर्स पीपीओ है यह चेंज होने वाला नहीं है आप चेंज कर भी नहीं सकते आप चेंज कर सकते हैं सिर्फ पासवर्ड और ऐसा कहा जाता है कि यूजर आईडी क्रिएट कीजिए तो यूजर आईडी क्रिएट नहीं किया करना है आपको ये अलॉटेड है आपको सिर्फ नोट करना है याद रखना और ये लॉजिकल है मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि यह बारह नंबर किस तरह से बने हैं जिसके फर्स्ट थ्री नंबर हैं आपके सर्विसेज किस सर्विस से बिलोंग करते हैं किस रिकॉर्ड से बिलोंग करते हैं इसके बाद ईयर है और लास्ट फाइव ही आपका प्रोग्रेसिव नंबर जो एक्चुअल पी नंबर है तो इसे तीन भाग में आप बांट सकते हैं बीच का जो चार नंबर है वो ईयर है आपको याद है ही कब आप डिस्चार्ज हुए हैं रिटायर हुए हैं और लास्ट फाइव नंबर वो आप याद रख लीजिए तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं अपने यूजर आईडी को या फिर स्पर्स पीपीओ को दोनों एक ही चीज़ है यूजर आईडी यानी कि जीरो वन जुड़ गया सफिक्स हो गया और फैमिली वाले के लिए जीरो टू हो गया अब आप जब लॉग करते हैं इस वेबसाइट में स्पर्स के वेबसाइट में अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं लैपटॉप से कर सकते हैं टैब से मोबाइल से या बच्चों से करवा लीजिए तो यहाँ राइट टॉप कॉर्नर में जो ब्लू है लॉग इन बटन इसको आप कीजिए और यहाँ अपने यूजर आई जो स्पर्स पी पी नंबर है जीरो वन से लगा के और फैमिली वाले जीरो टू करके लगाएं और पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपको दिया गया था क्लटर वाला मोबाइल से आया वो आप दे दीजिए और वहाँ फिर कैप्चा रहेगा कैप्चा कुछ अगड़म बगड़म सिक्स लेटर का एक होते हैं अल्फा न्यूमरिक वो डालना होता है ये चेक करने के लिए कि कोई रोबोट तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ की परख सत्यता के लिए कैप्चा होते हैं आप कैप्चा दे दीजिए और इसके बाद आप आगे बढ़ें क्लिक करें तब आपको रिसेट आपको पासवर्ड रिसेट करने को प्रॉम्प्ट किया जाएगा और अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है वो क्लटर वाला आपने माइग्रेशन चेक करके वहाँ से स्पर्श पी पी नंबर तो ले लिया यूज़र आईडी आप जीरो वन करके कर दिए लेकिन पासवर्ड नहीं है तब उस स्थिति में आपको फॉरगेट पासवर्ड लिंक वही नीचे में दिया हुआ उसका आप इस्तेमाल करें उसका इस्तेमाल जब करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर यह ओ जाएगा ओ डालिए और उसके बाद फिर से एक डिफॉल्ट पासवर्ड आपके मोबाइल पर आएगा तो यूजर आईडी आपके हो गए और डिफॉल्ट जो मोबाइल पर आया पासवर्ड उसका इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद फिर रिसेट कर लीजिए रिसेट करने के दौरान यह आप जरूर देखिए कि आप स्ट्रॉन्गर पासवर्ड बनाएं ताकि कोई गेस न करे क्रैक न कर सके इसके दौरान अल्फ़ा न्यूमरिक और स्मॉल और कैपिटल और सिंबल का भी स्थान होना चाहिए यानी कि मिनिमम आठ कई लोग हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि आप ही बना के दे दीजिए तो इसकी बनाने की जो तर्क है जो व्यवस्था है बड़ी ही सिंपल है इसमें आप क्या कीजिए एक लेटर कैपिटल रख लीजिए तीन लेटर स्मॉल रख लीजिए एक कोई सिंबल दे दीजिए सिंबल को आप बीच में भी दे सकते हैं स्टार्टिंग भी कर सकते हैं लास्ट में भी दे सकते हैं या अल्फ़ा न्यूमरिक जो अल्फ़ावेट्स हैं और नंबर हैं इसके बीच में आप उस सिंबल को दे लीजिए चार लेटर नंबर दे दीजिए तो यह आपके लॉजिक है किस तरह से सीक्वेंस रखते हैं कौन सा नंबर रखते हैं ये सब बड़ा ही आसान चीज़ है इसके लिए कोई ज़्यादा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है इतना होना चाहिए कि पासवर्ड का जो फिलॉसफी है ईजी टू रिमेंबर एंड टफ टू क्रैक कोई दूसरा आदमी इसे गेस न करे लेकिन आपके लिए स्वयं के लिए आसान हो हालांकि कंप्यूटर में अगर आप लैपटॉप में जिसमें भी रेगुलर करते हैं उसमें रिमेंबर करने की व्यवस्था होती है आप रिमेंबर करा दें क्योंकि आपका कंप्यूटर तो पहले ही से इसका लॉक है ऑपरेटिंग सिस्टम ही लॉक है तो आप वहाँ रख लें ताकि बार बार आपको करने की ज़रूरत ना पड़े और यहाँ स्पर्श के वेबसाइट में भी आपको यह व्यवस्था दी जा रही है रिमेंबर करवा सकते हैं हर बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है तो आज मैं इतना ही तक रखता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए मुझे उम्मीद है यह आप समझ गए होंगे कि किस तरह से लॉग यूजर आईडी आप सक्सेसफुली डाल दिए क्रिएट कर लिए पासवर्ड कर लिए अब आपके आगे की यात्रा स्टार्ट होगी यानी कि कुछ अनिवार्य डिक्लेरेशन है वह देना है तो अगले वीडियो में मैं उन्हीं मैंडेटरी डिक्लेरेशन के लिए बात करूँगा अभी तक अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें जिसके लिए मैं सदैव विनम्र निवेदन करता हूं और अपने साथियों संगियों के साथ भी साझा करें कमेंट लिखें ताकि क्या और मैं सुधार कर सकता हूं क्या आपको समस्या है समाधान भी मैं यथा यथाशीघ्र देने का प्रयास करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताते हृदय की गहराइयों से धन्यवाद नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट इंटरप्रनर ट्रेन की ओर से फिर से मिलता हूँ जय हिंद सभी पेंशनर बंधु